दोस्तों मेरे कुछ कुछ बाल जो कि सफ़ेद हुए थे वे करीब करीब अब सारे काले हो चुके हैं। मैंने कभी भी कोई केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, परंतु फिर भी जो कुछ बाल थे सफ़ेद वे आज काले हो चुके हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों कि मैं ऐसी कौन सी नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल करती हूं जो कि मेरे सफ़ेद बालों को जिसने आज काला कर दिया है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या आजकल बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाले डाई का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा शैम्पू का, हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना, या हेयर सीरम का इस्तेमाल करना, या फिर केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमारे सारे के सारे बालों को सफ़ेद कर देती हैं। हमारे कुछ कुछ बाल सफ़ेद हुए हैं और अगर हम हेयर डाई लगा लेते हैं केमिकल वाला तो सारे के सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मैंने अपने सफ़ेद बालों से किस तरह से छुटकारा पाया है, किस तरह से उन्हें काला किया है, चलिए देखते हैं। सरसों का तेल लिया है, यहाँ पर मैंने आधा कटोरी सरसों का तेल लिया है और उसमें डाला है 1 चम्मच आंवले का पाउडर। आंवला ज़्यादातर आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी ग्रोसरी शॉप में, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आप शुद्ध आंवले का पाउडर ले आएँ। आंवले के बारे में आप सबको पता है, बहुत पुराने समय से ही बालों को काला करने के लिए आंवले का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बालों को काला रंग देता, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है आंवला। डैंड्रफ रूसी की समस्या को दूर करता है, हमारे स्कैल्प में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है जिससे हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। सफ़ेद बालों को जड़ से काला करने के लिए आंवला बेस्ट है दोस्तों। आंवला खाएँ भी, आंवला लगाएँ भी। आंवले का एप्लीकेशन, आंवले का कंजप्शन दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद। अगली चीज़ मेहंदी। अब आप सोच रहे हैं अरे मेहंदी है ये ऑरेंज कलर देगी। जी नहीं दोस्तों, ये ना सोचें। मेहंदी क्या है, एक पौधे की पत्तियां हैं, मेहंदी हर्ब्स हैं दोस्तों। पौधा होता है मेहंदी की, उसी की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है और फिर उस पत्तियों का पाउडर हम तक मार्केट से हम तक आता है मेहंदी के पाउडर के रूप में। और ये जो पत्तियां हैं दोस्तों ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस हर्ब्स में, मेहंदी हर्ब्स में दोस्तों ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है मेहंदी और एक नेचुरल हेयर डाई भी है, बालों को कंडीशन करती है। अगली चीज, 1 चम्मच मेहंदी। उसके बाद डालना है आपको यहाँ पर 1/4 टीस्पून, या कह सकते हैं आप चुटकी भर हल्दी। आप सोचेंगे अरे हल्दी ये तो पीला रंग देगी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हल्दी को हमें ड्राई रोस्ट करना है और हमें बनाना है ब्लैक टर्मरिक। आप चाहें तो मार्केट से काली हल्दी या ब्लैक टर्मरिक भी खरीद सकते हैं। आजकल ये सारी सुविधाएं मिलने लगी है, घर पर ही बनाएं ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा किचन की ही हल्दी को इस तरह से सेकती हूँ। इसे भूनने में कम से कम मुझे 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। तो कई बार दोस्तों 15 दिन में 1 बार, 20 दिन में 1 बार इस रेमेडी को आप ज़रूर लगाते रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब बाल काले हो जाएं तो 15 दिन में लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो सप्ताह में 2 बार भी आप इसे लगा सकते हैं, ये इतनी फ़ायदेमंद है। चलिए हल्दी को मैं भून रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा हल्दी का रंग बदलने में, ब्लैक पाउडर तैयार करना है। ये एक नेचुरल हेयर डाई है दोस्तों। अब आप बोलेंगे अरे हल्दी क्या करती है। हल्दी जो होती है दोस्तों डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है। कई बार हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा रूसी होती है हमारे बालों में, तो भी हमें हेयर फॉल होता है, हमारे बाल झड़ते हैं। हमारे सिर की त्वचा का, हमारे स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल व एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। आप देखे होंगे कभी भी हमें कोई चोट लगती, कोई घाव होता है, कहीं पैर में मोच आ जाती, सूजन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं। हल्दी को तेल में मिलाकर लगाते हैं, घाव भर जाता है, सूजन दूर हो जाती है। उसी तरह से जब हम ब्लैक टर्मरिक का इस्तेमाल अपने स्कैल्प के लिए, बालों के लिए करते हैं, तो यदि हमारे सिर में खुजली है, हमारे बालों में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, उसे दूर करती है हल्दी। एक औषधि है, एक मेडिसिन है हल्दी। इसीलिए तो आयुर्वेद में हल्दी का इतना ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसके रंग को बदल लिया, बस ऐसे ही ब्लैक हेयर डाई तैयार करना है। ये जो हल्दी का पाउडर है ना दोस्तों, हेयर थिनिंग को ट्रीट करेगी, आपके बालों को कंडीशन करेगी, आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट करेगी, ये इतनी फ़ायदेमंद है। तो आप चाहें ना दोस्तों तो थोड़ा ज़्यादा भून कर रख लें, मतलब 2-3 चम्मच भून कर रख लें। आपको केवल 1/4 टीस्पून हल्दी, ब्लैक टर्मरिक कहेंगे अब आप इसे,
इसे इसमें डालना है। सरसों का तेल तो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बालों को काला करने के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। ऐसे तो आप नारियल का तेल लगाएं, कोई सा भी तेल लगाएं जो आपको पसंद है, परंतु काले बाल करने की कोई भी रेमेडी है उसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो सरसों के तेल में मैंने यहाँ पर मेहंदी डाली है दोस्तों, आंवले का पाउडर डाला है और साथ ही ब्लैक टर्मरिक डाला है, आधी छोटी चम्मच से भी कम। आप इसे लगाने के लिए कॉटन की सहायता से लगाएं, कॉटन पैड है उसकी सहायता से लगाएं, आप अपनी उंगलियों की सहायता से भी बालों की जड़ों पर लगाएं, फिर बालों की लंबाई पर लगाएं। ये एक नेचुरल हेयर डाई है दोस्तों, जो कि आपके बालों पर बहुत अच्छा वर्क करेगा। कुछ कुछ बाल सफ़ेद होते हैं ना, तुरंत अलर्ट हो जाइए कि कैसे हम काला करें। अपने खाने का भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लगाना है, एक आंवला डेली खाएं, 15 दिन लगातार आंवला खा के देखें, एक आंवला। आप फिर मुझे कमेंट करेंगे, आपको लगेगा अरे मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है, सफ़ेद बालों की समस्या दूर होगी। जब हमारे हेयर सेल को इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इतने अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, तो अपने आप वे जड़ से मजबूत होंगे, वे जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। आपने देखा होगा अपनी दादी नानी को, 70-80 साल की उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद हुआ करते थे दोस्तों, और आजकल 30-40 की उम्र में ही कुछ कुछ बाल सफ़ेद दिखने लगते हैं, सारे तो नहीं, कुछ कुछ। तो मैं भी इस उम्र में, आज भी मैंने कभी भी केमिकल डाई का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे के सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जो 8-10 हैं 15-20 हैं, कभी कभी अंदर अब थोड़े से जैसे हो जाते हैं, परंतु ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो 15 दिन में एक बार आप इसे ज़रूर लगाएं, बालों को पोषण मिलेगा। अगर केयर नहीं करेंगे ना तो फिर से सफ़ेद होने लगेंगे। आप सोचेंगे अरे हमेशा के लिए तो काले हो जाएंगे, परंतु केयर करना ही पड़ेगी आपको, आपको बालों की जड़ों को पोषण देना ही पड़ेगा। मेहंदी जो है बालों को कलर देती है, ये सच है दोस्तों, हेयर कंडीशन है, हेयर कलर का काम करती है, परंतु बालों को पोषण भी देती है। आंवला जो होता है दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर होने के कारण हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हमारे बालों की जड़ों को नरिश करता है, और जब बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा, स्ट्रांग होंगी, उनका झड़ना उनका टूटना रुकेगा। जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बच कर रहे दोस्तों। जो बालों में आप लोग कलर करवा रहे हैं ना, आजकल ब्यूटी पार्लर में सुंदर सुंदर कलर होता है, हेयर टोनर का इस्तेमाल करते हैं, हेयर सीरम लाते हैं, महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल, ये हमारे बालों को डैमेज करते हैं। इस तेल को जो मैंने बनाया है, इसे ज़्यादा बना कर रख सकते हैं, पूरे बालों की जड़ों पर लगाने के बाद पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं। आप इस तेल को 1 घंटा लगा कर रखें, नहाने से पहले लगाएं, 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। आप चाहें तो शैम्पू का इस्तेमाल करें, मैं तो कभी भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इतनी अच्छी रेमेडी लगाई है, वर्क करेगी, सिर्फ पानी से धो ले, खूब अच्छा। आप हल्के गर्म पानी से भी धो सकते हैं, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है। आप चाहें तो नेक्स्ट डे शैम्पू करें, जब आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।